वो भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे इफ्तारी के लिए, बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे. ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबडी. मुझे कहते हैं माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत हो. और आई लुक्ड एट हिम लाइक अली, मैंने कहा अली कोई टाइम कैसा होता है बेटा, व्हाट आर यू टॉकिंग. मैं ये कह के उसको मैं किचन में चली गई, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग समथिंग. हमें शऊर नहीं था, ही न्यू एवरी थिंग वॉट वॉज कमिंग इन हिज लाइफ. फिर अपने अबू को कहते हैं, इसी तरीके सारी बहनों को एम ही चेकबुक निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कहते हैं, दिस इज़ 1 लाख रुपी मेरे खून पसीने की कमाई है और बर्फ़ की कमाई है. आई वॉन्ट कि मैं अगर नहीं रहूँगा ना, वापस नहीं आऊँगा, तो ये तुम्हारी शादी के खाने के लिए. एंड आई गेव दैट चेक टू माई डॉटर. ये कितने दिन पहले की बात बता रही हूँ, 15 डेज पहले. वो जुमातुल विदा था, उसके बाद 26 रमज़ान थी जिस दिन ये चला गया घर से खुदा हाफिज करके हमें, और 27th वाले दिन शहीद हो गया. हालांकि उसकी छुट्टी सीओ ने एक्सटेंड कर दी थी, एक्सटेंड कर दी थी. फोन आया कि तुम मक्सी ईद करके आना, लेकिन बाय दैट टाइम ही बेटा तुम एक ग्रेड सोल्जर के बच्चे हो, एक ग्रेड सोल्जर हो, गो बैक ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे टाइम पे जाओ, नो एक्सटेंशन. वो अच्छा सोल्जर नहीं होता जो छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता. एंड ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल बिफोर लीविंग ही सेड, माँ मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ पे ना, आप ख्वाब नहीं समझेंगी, मैंने हकीकत देखी सियाचिन में. मैंने कहा व्हाट डिड यू सी. कहते ऐसे मैं, मेरी टाइम वहाँ पे टर्न बाय टर्न ड्यूटी होती है. कहते रात को कोई 2:30 बजे मेरी ड्यूटी बनी और मुझे मेरे आके जवान ने कहा कि सर उठिए, अभी आपका आपकी ड्यूटी है तो ज़रा बाहर जाके ड्यूटी दें. कहते हैं माँ जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बैनेट मैंने बर्फ़ में रखी है, डाली है, एंड मैंने घुमाया नज़रें पहाड़ों की तरफ सारी, जस्ट लुकिंग द इंटेंसिविटी. एट दैट टाइम ही वॉज ऑन दैट पोस्ट विच इज़ कॉल्ड लबैक, वेयर गॉड इज़ 0 मीटर. ओ माई गॉड, 0. हमेशा कहता था माँ मुझे यूँ लगता है कि मैं ऊपर हाथ करूँगा तो मुझे खुदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम. इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे. और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहता मैंने वहाँ पे ख्वाब दे, कहता माँ मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ. कहता मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे इतनी खूबसूरत सियाचिन की पहाड़ों से आवाज़ आई अजान की. कहते जैसे खाना काबा की अजान होती है ना, इस तरीके की अजान. कहते माँ आप सोच नहीं सकती हो कि मैंने इधर देखा उधर देखा, ये कहाँ से आवाज़ आ रही. कहते मैंने कहा शायद मेरे शऊर में है. और कहते अपने आप से ही मैंने कहा मक्सी तहज्जुद का टाइम है, अब तेरे पे लाजम हो गया तहज्जुद पढ़. और वहाँ से तहज्जुद पढ़ी बाहर, तहज्जुद पढ़ी. और कहते जैसे ही मैंने नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह अकबर सलाम फेरा, कहते माँ मेरा अल्लाह जानता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2500-3000 सफ़ों का मर्द देखे, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ और उनके सफ़ेद लिबास, उन्होंने मेरे साथ नमाज पढ़ी. जैसे मैंने अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने भी कहा अस्सलाम वालेकुम. और कहता है माँ मुझे खड़े खड़े, मैंने कहा ये ख्वाब है. कहते मैंने अपनी ज़ोर से अपने आप को काटा और फिर कहते मैंने कहा नहीं ख्वाब नहीं, तो हकीकत देख रहा हूँ मैं. और कहते फिर मैंने अपने आप को फील किया और मुझे 104 से कम बुखार नहीं था. आई केम इनसाइड द इग्लू और मैंने आके अपने जवान से कहा चाय बनाओ जल्दी करो. कहते साहब 2 मिनट भी आपने ड्यूटी नहीं दिया और आप अंदर आ गए हो, ये तो कोई बात ना हुई. कहता है देखो समंदर खान, उसका सरजमीन उसके बैटमैन का नाम था, कहता है सरजमीन तुम हमेशा मुझे कसीदे सुनाते हो, कभी तुम्हें वहाँ एक दाढ़ी वाला नज़र आया, कभी तुम बर्फ़ क्रैविस में गिरने लगे थे तो तुम्हें किसी ने हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया. तो आज मुझे जो तुम सुनाओगे ना, मैं तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा और मैं तुम्हें झूठा भी नहीं कहूँगा. वो कहता है साहब जी आप ये हमको बताओ कि आपने क्या देखा आज, जो आज हमारी बातों को सच मान रहे हो. आपका दिल चाहता था वो कभी आपको झंडे वाली गाड़ी में लेके जाए, बहुत ज़्यादा. और ये भी उसने मुझे ये अल्फाज मुझे ये कहे, मैंने उसको कहता ना, कहते माँ तबूत आ जाएगा तो फिर. मैंने कहा बेटा, कहते माँ आप किसके अलावा क्या ख्वाहिश है. मैंने कहा बेटा मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे झंडे वाली गाड़ी में नहीं बिठाया. आई वॉन्ट कि यू बिकम अ जर्नल एंड आई सिट इन योर कार. तो इतने लाशौरी से शाइस्ता बेटा उसने यूँ कॉलर ऊपर करके, कहते माँ सोच को थोड़ा और ऊँचा कर लो. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन सोच को ऊंचा, जर्नल की गाड़ी से ऊंचा क्या होगा. क्या होगा, सही बात. तो मुझे कहते हैं माँ तेरे आगे मैं झंडा सिर नगूं कर दूंगा. कहते ये झंडे वाली गाड़ी तो बहुत छोटी सी चीज है जिसकी आपने ख्वाहिश की है माँ. एंड एग्जैक्टली आफ्टर 15 डेज दैट फ्लैग वॉज इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द बॉडी ऑफ माई सन. 5 दिन मेरा बेटा बर्फ के नीचे दबा रहा है,
रेस्क्यू पार्टी ने जाके उसको निकाला है, उधर से शैलें ऊपर से बर्फें गिरती रही हैं, पहाड़ पूरा बन गया उनकी 5 लोगों की 6 लोगों की बॉडीज के ऊपर। और मेरे साथ कर्नल साहब यही एक बात कहते रहे, बच्चा जख्मी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, ये कैप्टन साहब का, कैप्टन शहीद का लास्ट लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी ट्रांसलेशन मेरे पास है। उन्होंने अपने घर वालों के लिए लिख कर ये रखा हुआ था जाने से पहले। ये मैं पढ़ना चाहूँगी, फिर मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद अपने आज के सारे हीरोज़ को आपसे मिलवाऊँगी। कैप्टन साहब ने लिखा था, मेरे प्यारे वालिदैन, बहन भाई, बराए करम अपने आंसुओं को कंट्रोल करें। आप सबको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके बेटे ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। अम्मी जी, मुझे मालूम है कि ऐसी सूरत हाल पर काबू करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मेरी शहादत के बाद मेरी चंद एक ख्वाहिशात हैं। कोई जुमेरात वगैरह नहीं होगी, अगर कोई मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो वो सिर्फ कुरान पाक पढ़े। मैंने यूनिट की कमांडो टीम को 1500 रुपये देने हैं जिसने मेरे साथ छंप में हिस्सा लिया था। गुलबर्ग वाले पेट्रोल पंप पर पंचर वाले को 820 रुपये दिए हैं। मेरी कब्र इस्लामी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए और यूनिट में काबुल 40 बलोच में देना है। मुझे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, मेरे लिए मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली सबसे अच्छी है। अम्मी अब्बू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और समझ लें कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं जिंदा रहूँगा। ए पुत्र हटाते नहीं विकते। हनी, छोटे भाई का जो बेटा है उसको बलोच रेजिमेंट में जाना चाहिए। खुदा हाफिज, आपका कैप्टन